आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंग्लिश के 5 बेहतरीन स्ट्रक्चर्स जिनकी हेल्प से आप इंप्रूव करेंगे आपकी स्पीकिंग स्किल को। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का स्ट्रक्चर नंबर 1। तो पहला स्ट्रक्चर है व्हाट इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट। जब भी आपको फ्यूचर की बात करनी है कि फ्यूचर में अगर कुछ हो गया तो, या फिर मैं फिसल गया तो, अगर मैं छत से गिर गया तो, इस तरह का जो फीलिंग आता है, तो वहां पे आप यूज करेंगे व्हाट इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। तो ध्यान से सुनिएगा और इनको यूज कीजिएगा। पहला एग्जांपल है, अगर मैं फिसल गया तो, व्हाट इफ आई स्लिप। अगर मैं छत से गिर गया तो, व्हाट इफ आई फॉल ऑफ द रूफ। फॉल फ्रॉम द रूफ गलत, फॉल ऑफ द रूफ राइट। अगर मुझे चोट लग गई तो, व्हाट इफ आई गेट इंजर्ड। अगर तुम कल ना आए तो, व्हाट इफ यू डोंट कम टुमारो। अगर तुमने मेरे पैसे ना लौटाए तो, व्हाट इफ यू डोंट रिटर्न माय मनी। अगर उसे कुछ हो गया तो, व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू हिम। अगर कुछ गलत हो गया तो, व्हाट इफ समथिंग बैड हैपेंस। अगर मैं पेपर में फेल हो गया तो, व्हाट इफ आई फेल इन द एग्जाम। अगर वो फेल हो गया तो, व्हाट इफ ही फेल्स। अगर वो छत से गिर गया तो, व्हाट इफ ही फॉल्स ऑफ द रूफ। तो इस तरह से आप यूज करेंगे व्हाट इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो एक सेंटेंस आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में मुझे आना चाहिए सो दैट मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्ट्रक्चर। सो सेकेंड स्ट्रक्चर है व्हाट इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट। तो जब भी हमें पास्ट रिग्रेट की बात करनी है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो, पास्ट में कुछ हो जाता तो, लेकिन हुआ नहीं, तो हम यूज करते हैं व्हाट इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट। सो अगेन लेट मी गिव यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, अगर मैं फिसल जाता तो, यानी कि मैं फिसला नहीं तो मैं अब रिग्रेट कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या, तो मैं बोलता व्हाट इफ आई स्लिप्ड। स्लिप मतलब फिसलना, स्लिप्ड सेकेंड फॉर्म। अगर मैं छत से गिर जाता तो, व्हाट इफ आई फेल ऑफ द रूफ। फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, व्हाट इफ आई फेल ऑफ द रूफ। अगर मुझे चोट लग जाती तो, व्हाट इफ आई गॉट इंजर्ड। अगर मैं फेल हो जाता तो, व्हाट इफ आई फेल्ड। अगर कुछ गलत हो जाता तो, व्हाट इफ समथिंग बैड हैपेंड। अगर उसे कुछ हो जाता तो, व्हाट इफ समथिंग हैपेंड टू हिम। अगर उसे चोट लग जाती तो, व्हाट इफ ही गॉट इंजर्ड। अगर वो फेल हो जाता तो, व्हाट इफ ही फेल्ड। अगर वो छत से गिर जाता तो, व्हाट इफ ही फेल ऑफ द रूफ। अगर वो कल ना आता तो, व्हाट इफ ही डिड नॉट कम यस्टरडे। अगर तुम कल ना आते तो, व्हाट इफ यू डिड नॉट कम यस्टरडे। अगर मैं कल ना आता तो, व्हाट इफ आई डिड नॉट कम यस्टरडे। अगर तुम मुझे ना बताते तो, व्हाट इफ यू डिड नॉट टेल मी। तो मुझे पता कैसे चलता, हाउ वुड आई कम टू नो। अगर तुम मुझे ना बताते तो, मुझे पता कैसे चलता, व्हाट इफ यू डिड नॉट टेल मी, हाउ वुड आई कम टू नो। सो दैट्स हाउ वी हैव टू यूज व्हाट इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट। तो एक सेंटेंस और इसको यूज करके आप नीचे कमेंट जरूर करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो दिस इज अकस्टम्ड टू। तो इसको सीखने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है फॉर जस्ट 799 रुपीज एंड 6 मंथ का कोर्स है जस्ट फॉर 599 रुपीज। इसके लिए आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर स्ट्रक्चर नंबर 3। सो दिस इज अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब क्या होता है, आदि होना, किसी चीज की आदत होना, हैबिचुअल होना, या फिर यूज्ड टू होना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। ही इज अकस्टम्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि उसे इंग्लिश बोलने की आदत है या फिर वो इंग्लिश बोलने का आदि है। और अकस्टम्ड टू की जगह पर आप यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
कि ही इज habitual of speaking English, he is accustomed to speaking English, he is used to speaking English. Second example, मुझे भीड़ में गाड़ी चलाने की आदत है, गाली देने की नहीं, गाड़ी चलाने की. So I am accustomed to driving in crowd या फिर in traffic. उसे गप्पे मारने की आदत है, तो हम बोलेंगे he is accustomed to gossiping, he is used to gossiping or he has the habit of gossiping. और example सुनिए, नेताओं को रिश्वत लेने की आदत है, तो हम कहेंगे leaders are accustomed to taking bribe. और example, English सीखने के बाद आपको English बोलने की आदत हो जाएगी. After learning English, you will get accustomed to speaking English. आपको इस बिजनेस की आदत होने में कुछ समय लगेगा. इट विल टेक यू सम टाइम टू गेट अकस्टम्ड टू दिस बिजनेस. तो आई होप आपको समझ में आया होगा अकस्टम्ड टू. अगर डिटेल में सीखना है, क्योंकि रूल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अगर डिटेल में सीखना है तो आप मेरे कोर्स से हर चीज को, उनकी बारीकियां डिटेल में समझ सकते हैं. सो नाउ एक सेंटेंस आपकी तरफ से अकस्टम्ड टू को यूज करके, तो आगे चलते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की तरफ. सो अगला स्ट्रक्चर है नोर डू आई, नोर डू आई. तो इसमें होता क्या है, अगर हम कुछ नहीं करते या फिर कोई कुछ नहीं करता है, तो उसके बाद हम एक और व्यक्ति को उसमें ऐड करते हैं कि वो भी नहीं करता है. जैसे एग्जांपल है, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैंने इतना सेंटेंस बोल दिया, फिर मुझे अचानक से याद आता है कि मेरा दोस्त भी नहीं पीता है, तो ऐसी कंडीशन में हम nor helping verb plus subject का use करते हैं sentence के बाद में. तो rule है, पहले एक sentence बनाएंगे, according to tense negative होना चाहिए, उसके बाद nor, फिर एक helping verb, फिर subject. So इसके भी कुछ example मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. पहला example, मैं चाय नहीं पीता हूँ और ना ही मेरा दोस्त. I don't take tea, nor does my friend. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए और मुझे भी. यू शुड नॉट टेल अ लाई, नॉर शुड आई. उसने उसको गाली नहीं दी, ही डिड नॉट अब्यूज हिम, और ना ही मैंने, नॉर डिड आई. तो पास्ट होगा तो डिड, शुड का लेसन होगा तो हेल्पिंग वर्ब शुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डू डज, कैन का लेसन होगा तो कैन. आई, मैं उसे हरा नहीं सकता हूं और ना ही मेरा दोस्त. आई कैन नॉट डिफीट हिम, नॉर कैन My friend, तो मैं उसे नहीं जानता हूं और तुम भी. I don't know him, nor do you. वो झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही तुम. He is not telling a lie, nor are you. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और तुम भी. I am not telling a lie, nor are you. मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही मैं. My brother is not telling a lie, nor am I. वो गाली नहीं दे रहा था और ना ही मैं. He was not abusing, nor was I. So that's how we have to use nor do I, nor should I, nor can I, nor did I, and many more. So I hope यहां तक समझ में आया. तो एक सेंटेंस आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए, तो इसीलिए मैं फिर और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा. तो अगला स्ट्रक्चर, इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर, इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा. तो ये है इन जस्ट अ स्पैन ऑफ, इन जस्ट अ स्पैन ऑफ. दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है, यू कैन यूज इट टाइम एंड अगेन इन योर कॉन्वर्सेशन. सो इसको यूज कब करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड की, इतने से इतने के बीच बीच के, बीच बीच में या उसके अंदर अंदर कोई काम हो जाना चाहिए, हो जाता है, हो जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं इन जस्ट अ स्पैन ऑफ. ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट विद इन की जगह रिप्लेस किया जाता है. एग्जांपल देता हूं, आप 3 महीने के अंदर अंदर अंग्रेजी सीख सकते हैं. सिंपली कहेंगे यू कैन लर्न इंग्लिश विद इन 3 मंथ्स. तो विद इन को रिप्लेस कर दीजिए, बोलिए यू कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स. You can learn English in just a span of 1 year with the help of my course. मेरे कोर्स की मदद से आप
एक साल के अंदर अंदर अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे विद इन भी आप लगा सकते थे, यू कैन लर्न इंग्लिश विद इन वन ईयर विद द हेल्प ऑफ माई कोर्स, बट वी रिप्लेस्ड विद इन विद इन जस्ट अ स्पैन ऑफ। एक और एग्जाम्पल है, यू कैन लर्न कोडिंग इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 months अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। आप 3 महीने के अंदर अंदर कोडिंग सीख सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट के सुपरविजन में, यानी कि उसके अंडर। मेरे कोर्स से इंग्लिश सीखने के बाद, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माई कोर्स, आप 2 महीने के अंदर अंदर अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 months अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाएंगे, इफ यू पुट इन एफर्ट्स कंसिस्टेंटली। कोई भी इंग्लिश को सीख सकता है 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो दिन रात मेहनत करे तो। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 months इफ ही और शी बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। तो दिन रात ये करना है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। एक और लास्ट एग्जाम्पल, जैसे आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 months, मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी 30 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश को सीखने में, या 3 महीने के अंदर अंदर इंग्लिश को सीखने में। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 months। तो यहाँ पे एक मैंने idiom का यूज किया, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। तो यहाँ पे पास्ट की बात थी तो लीव का लेफ्ट, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 months। सो दैट्स हाउ वी हैव टू यूज इन जस्ट अ स्पैन ऑफ। तो एक सेंटेंस आप लोगों की तरफ से, और जो भी जिसको भी ये वीडियो पसंद आई प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप अपने आप चैनल पर आकर वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो मेरी सारी वीडियोस को वॉच करें, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी, एंड बिलीव मी योर इंग्लिश वुड नॉट बी व्हाट इट इज टुडे। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग ऑल माई वीडियोज, सो आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोज सो दैट आई कैन एड सम वैल्यूज टू योर लाइफ। And if you are interested in learning English from basic to advanced level with more than 600 videos, then you are most welcome to my Become English Champion app. So link is given below in the description box. Just go there, click the link and join my 1 year course. So thank you so much. Milte hain agli video mein.